अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एनजीओ वाले आज ये फूल वाले के बच्चों को उठा के लेके गए। अरे ये तुम, ये मयंक की माँ है। दीदी 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 एक माला ले लो ना, एकदम ताजे फूल की बनी है, एक ले लो ना। एक बात बताओ, हाँ। सिर्फ माला ही बेचते हो या स्कूल भी जाते हो? स्कूल नहीं जाता। वो मेरी माँ भी है ना, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, अंधी है वो, तो उसका ख्याल भी तो रखना पड़ता है। अब उसे अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता ना। तुम जानती हो इसे? हाँ बताती हूँ। माँ जी, माँ जी आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपके बेटे को। हाँ मैं लेकर आऊंगी मई को। माँ जी इन्हें संभालिए। हाँ क्या आप लोग जानते हैं कि वो एनजीओ वाले उस लड़की को कहाँ लेकर गए? ना है अरेरा कॉलोनी में उनकी ऑफिस है, वहीं सारी भिखारियों को लेकर जाते हैं, हट्टे कट्टे को ले जाते हैं, बीमार लोग को छोड़ जाते हैं, सबको भी ले जाते तो सफाई हो जाती। कितने दिन से हो रहा है ये सब? यही कोई 4-5 महीने से। 4-5 महीने से? आपने कौन सा एरिया बताया था कहाँ लेकर गए हैं वो एनजीओ? कहाँ है? अरे यही पास में अरेरा कॉलोनी है, वहीं पे ले जाते हैं। हमें उस एनजीओ के ऑफिस जाना होगा। लेकिन क्यों? अरे देखा नहीं तुमने उस औरत को, कितना रो रही है वो अपने बच्चे के लिए। देखो महेंद्र हमें इनकी मदद करनी होगी। हाँ अरे पर रिक्शा। अरे चलो अरेरा कॉलोनी। जीवन आसरा एनजीओ का ऑफिस यही है? नहीं नहीं मैडम, यहाँ पर तो हम अचार पापड़ बनाते हैं और बेचते हैं। थैंक यू। चलो मत, हम लोग कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत नेक काम कर रहे हैं, लोगों को जीवन दे रहे हैं। इससे ज्यादा नेक काम और क्या हो सकता है? सॉरी सर एक अर्जेंट कॉल है, कह रहे हैं। थैंक यू।
अब तक हमारे पास ऐसे कोई लीड नहीं है जिससे कि हमें ये पता चल सके कि ये रैकेट जो है वो कहाँ से ऑपरेट होता है और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन सर उस एनजीओ से हमें ये लीड मिल सकती थी, लेकिन वो एड्रेस ही फेक निकला। तुम ऐसा करो कि उस हॉस्पिटल के ट्रांसफर सेल में जाकर पता करने की कोशिश करो, हो सकता है कि उस एनजीओ का कोई कनेक्शन निकला है वहां पर। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग जल्दी उन तक पहुंच सकेंगे। यस सर। सर आरटीओ से कॉल था। सर ये एनजीओ भिखारियों को उठाने के लिए जिस वैन का यूज करता है, मैंने उसका नंबर सीसीटीवी फुटेज से निकाल लिया था। और सर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वैन और वो ट्रक जिसमें पुलिस को ऑर्गन्स मिले थे, दोनों एक ही नाम पे रजिस्टर है, लखन चंद गुप्ता। लखन चंद गुप्ता। महेंद्र ऐसा करो कि तुम गैरी के साथ जाओ, उस गुप्ता को यहाँ उठा कर ले करो। यस सर। जया तुम हॉस्पिटल जाओ, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती मुझे बताओ। यस सर। प्रदीप। यस सर। कोई नई रिक्वायरमेंट? हाँ एक लीवर चाहिए सर। पेशेंट कहाँ का है? यही का है सर, पहले सिटी हॉस्पिटल में था, अभी मिलेनियम में। मेरे डॉक्टर से बात हो गई है, उन्होंने बोला सिर्फ डोनर चाहिए, बाकी वो खुद ऑपरेट कर लेंगे। अच्छा है आउट ऑफ स्टेशन नहीं है, वरना ऑपरेशन करना, ऑर्गन निकालना और फिर उसे भेजना, टू मच रिस्क। डोनर है अपने पास? हाँ सर है ना, यही क्या है मंदिर से उठाया था उसको, फूल बेचने वाला लड़का है, मैं एक नाम है उसका, एज ग्रुप भी लगभग सेम ही है सर। गुड, जाओ लेकर आओ। ठीक है सर। प्लीज मुझे जाने दो, मेरी माँ वहां पर इंतजार कर रही है मेरा। चुप, बिल्कुल चुप। इतना हट्टा कट्टा है फिर रो रहा है तू? प्लीज मुझे जाने दो साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, मैं बहुत गरीब हूँ साहब। दोबारा मत बोलना। देवी मेरे प्यारे, तू बहुत अमीर है। बताऊं कैसे? ये देख, यहां तेरे 10 लाख, ये इधर ये दूसरा 10 लाख। सांस ले, बस 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 बस। ये देख, यहां ये 50 लाख। ये क्या? यहां पर दूसरा 50 लाख। कितने हुए टोटल? 1,20,00,000। तेरी ये आंखें दोनों, 1,00,00,000। अब बोल बोल, हुआ ना करोड़पति? अरे तू मेरा करोड़पति है, मेरा करोड़पति है तू, मेरा करोड़पति है। प्लीज मुझे जाने दो साहब, ये मेरी माँ हिंदी है, कोई नहीं है उसका इस दुनिया में। इस मुझे जाने दो साहब। तो चिंता क्यों कर रहा है? तेरी माँ को भी यहाँ ले आएंगे ना। माँ और बेटा दोनों साथ साथ, चल तेरी माँ को लेकर आ। एक्सक्यूज मी भैया, अब वो लड़की एडमिट थी यहाँ पे जिसका लिवर ट्रांसप्लांट होना था। जी लेकिन उसने तो डिस्चार्ज ले लिया, यहाँ से किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई है। कौन से हॉस्पिटल में है आप जानते? मुझे नहीं पता, आप फोन कर लो आपको चाहिए तो। हाँ ठीक है, आप मुझे नंबर दे दीजिए। भैया मैं प्रेस से हूँ, ठीक है लाइए नंबर। ठीक है एक मिनट, रजिस्टर लेकर आता हूँ मैं।
हाँ जी मैम, हाँ। ये नोट कीजिए 6392 4। थैंक यू। वेलकम। हेलो, आप लोग जानते नहीं कौन हूं मैं। एक फोन से पूरा भोपाल हिला दूंगा, बता रहा हूं। तुम भी नहीं जानते कि हम कौन हैं। फोन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी या तुम्हारा हिलना बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। कौन है आप? सीबीआई? तो ईडी? उससे भी ऊपर। अब तक मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा था, अब तुम्हारी बारी है। दो गाड़ियां जो गैर कानूनी काम से जुड़ी हुई थी, गाड़ियां तुम्हारे नाम से रजिस्टर्ड क्यों? सर, मेरी भी दोनों गाड़ियां चोरी हो गई। मैंने उनकी एफआईआर भी कराई थी और उस एफआईआर की कॉपी इन साहब को दिखाई भी थी। लगता है ऐसे नहीं बताएगा सर। आपको पता है कान मुंह एक दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। एक कान के नीचे पड़े ही ना, मुंह से सच खुद में खुद बाहर आया। प्रैक्टिकल दिखाता हूँ सर। बताता हूँ सर। सर, बेसिकली मैंने वो दोनों गाड़ियां बेच दी थी। लेकिन पेपर पर तो तुम्हारा नाम लिखा था। जी सर, उस आदमी ने मुझे पैसे दे दिए थे, लेकिन मेरे बार बार कहने पर भी उसने गाड़ियों के पेपर अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराए। और मुझे डर था कहीं उसने उन गाड़ियों का इस्तेमाल किसी गलत धंधे में कर लिया तो मैं फंस जाऊंगा। बस इसी डर से मैंने उनकी एफआईआर दर्ज करवा दी थी। कौन था? सर, वो दया पांडे, रिटायर्ड सर्कल इंस्पेक्टर। महेंद्र, ने बाहर तक छोड़। थैंक यू सर। गैरी, ये दया पांडे रिटायर्ड है मगर पुलिस डिपार्टमेंट से है। अगर हम उसे यहां लेकर आते हैं तो जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता उसे यहीं रखना होगा, और उसके गायब होने की खबर ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती है। इसलिए हमें ये केस जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। तो कम, लेट्स गो। सारे पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? कहां से आए तुम्हारे पास? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूं। ये फाइल्स भी उन्हीं के हैं और यहां पे तो वही अपना सामान रखते उठाते रहते हैं। मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रही हूं, मुझे नहीं पता। तुम्हारे पति के पास इतने पैसे? कहीं मेरे गोडाउन की मशीनरी? और मैं गोडाउन होके आता हूं अभी। मैं भी चलती हूं। मेरी ही गलती, इतना सारा पैसा किसी गड़बड़ी के आ ही नहीं सकता। मम्मी, कहाँ जा रहे हो आप? मैं भी चलूंगा आपके साथ। तुम यहीं पे रुको, हम लोग अभी बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप यहीं पे बैठो, ठीक है? नहीं, मुझे चलना है। क्या कर रहे हो, जल्दी करो। ठीक है, गाड़ी में से मत निकलना, चलो अंदर। चलो। पर हाथ डाल के आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पुलिस वाला हूं मैं, रिटायर्ड पुलिस वाला। हमारी नजरों में आप एक सस्पेक्ट हैं मिस्टर पांडे। ये
किस पागल खाने से छुटकर आए आप? जवाब देंगे आप? वेरी ऑर्गन हार्वेस्टिंग रैकेट में आपका नाम सामने आया है। आपने दो गाड़ियां खरीदी हैं लखनचंद गुप्ता से, लेकिन अभी तक आपने नाम ट्रांसफर नहीं करवाया, क्यों? देखिए, हम सरकारी नौकर थे, पुलिस में काम करते थे, बिजनेस ऐसे ही कर सकते थे। ये इलीगल रैकेट ही आपका बिजनेस है? आपकी दोनों गाड़ियां इस रैकेट में पकड़ी गई। देखिए, मैंने वो दोनों गाड़ियां अपने ड्राइवर को दे दी थी, अब वो उसे कहां लेके जाते थे, क्या करते थे, उसका मुझे कुछ पता नहीं। ईशा, मुझे पता था कि आप इतनी आसानी से सच नहीं कहोगे पांडे जी, इसलिए मिसेस पांडे का इंटरव्यू लिया था। ईशा, बताओ इन्हें, मिसेस पांडे ने क्या कहा तुमसे? सर, उन्होंने सौरभ वर्मा का नाम लिया, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और इनके दोस्त भी हैं, इसलिए उन्होंने दोनों गाड़ियां इनसे किराए पे ली हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मिस्टर पांडे कि ये मामला आपके हाथों से निकल चुका है। अच्छा, यही हुआ कि आप अपनी थोड़ी सी मदद करके हमारी पूरी मदद कर दें। सौरभ को मैंने ये गाड़ियां दी थी किराए पे, और सौरभ ने मुझसे कहा था कि मैं गाड़ियां मजदूरों को इधर से वहां और वहां से इधर लाने के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो गाड़ी रैकेट के लिए यूज कर रहा है, तो मैंने उससे बात की। उल्टा उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया और उसने कहा ये गाड़ियां आपकी हैं। मुझे लगा कहीं मुझे इस केस में फंसा ना दे, मैं खामोश हो गया था। मेरी मजबूरी थी सर, मैं क्या बोलता सका, किसको बोलता, डर के मारे मेरे होश उड़ गए थे। और क्या जानते हैं उसके बारे में? मैं ज्यादा तो नहीं जानता उसके बारे में, क्योंकि वो हमेशा टाइम पे पैसे दे देता था, लेकिन हाँ एक बात है, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपने गेटअप बदलता रहता है अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छा, जिस नंबर से वो कॉल करता था जी, वो नंबर दे सकते हो? जी, क्या दे? ये ले। विपुल और किरण, ये दोनों यहां क्या कर रहे हैं? अरे आप लोग यहां क्या हुआ, क्या बात है? अपने ही प्लांट पर आने के लिए परमिशन की जरूरत है क्या? आ नहीं सकता मैं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आ सकता, लेकिन तुम यहां क्या कर रही हो? वो मैं तुम अंदर आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है कुछ। बात क्या है वो तो बताई। ये बंद क्यों है, क्या इसके अंदर? कुछ नहीं है, वो खाली है, वो इसलिए ताला मार कर रखा ना उसमें। बंद रहता तो इतनी सड़ी बदबू क्यों आ रही है, पहले तो कभी नहीं आई। वो शायद चूहा हुआ मरा होगा कोई, मैं साफ करवा दूंगा। साफ ये आवाजें कैसी आ रही है अंदर से? सागर, रवि, दरवाजा खोलो। खोलो सर। अब
तमाशा बना रखा है। छोड़ मुझे। समझ में आया तेरे घर में थैला भर भर के पैसे कहां से आते हैं? ये सारा काम छुपा हुआ है इसके पीछे वर्मा। अच्छा जी छोड़ मुझे, मैं भी यहां आ गया जी। इसका पैसा देखकर मर मिटी थी ना तू इस पर, और मुझे धोखा दिया था तूने। सुन, अरे कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है मेरे सामने जी। 1 करोड़ कमाता हूं मैं रोज का। लोगों को मारकर वर्मा, लोगों को मारकर। चिल्ला और चिल्ला, कोई फायदा नहीं होने वाला इससे। कुछ ही दिनों में ये देश छोड़कर निकल जाऊंगा मैं, ऐश की जिंदगी जीऊंगा, और तू सड़ेगी इसके साथ। मुझे धोखा दिया तू के पास? प्लीज मुझे जाने दो कार्तिक, मेरा वेट कर रहा है। अरे कार में क्यों छोड़ा उसे? उसे यहां लेकर आना था ना। प्रवीण जा, मेरे बेटे को लेकर आ। क्या है ना, आजकल बड़ों से ज्यादा बच्चों की किडनी और लीवर की डिमांड है। कह रहे हो तो वो बेटा है तुम्हारा? तेरा बेटा है। ऐसा मत करो, मेरे किए की सजा मेरे बेटे को मत दो, प्लीज माफ कर दो मुझे। अरे माफ करने के लिए मैं कोई जस्ट थोड़ी हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, और बिजनेसमैन हमेशा अपना फायदा देखता है, धंधा देखता है, और धंधे में कोई अपना नहीं होता। ये सौरभ वर्मा का नंबर डेड आ रहा है। इंटरनेट पे भी इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है। इसका मतलब इसकी डिजिटल आईडी ही नहीं है सर, ये सौरभ वर्मा नाम असली नहीं है। कौन है, कहां से ऑपरेट करता है, इसका क्या मोडस ऑपरेंडी है, हमारे पास कोई क्लू नहीं है। और जिस नंबर से दया पांडे से कॉन्टेक्ट करता है वो नंबर भी डेड आ रहा है। सर्वेलेंस पर भी लगाने का कोई फायदा नहीं हो सकता, शायद वो सिम डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। सर ये समर रंधावा का नंबर है। सर इसके बेटी का लिवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन होना था, 1 महीने से वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन अचानक से उसने अपनी बेटी का डिस्चार्ज ले लिया। वजह? वही तो सर, अचानक से ऐसे डिस्चार्ज ले लिया जबकि उसकी बेटी के लिए ये लिवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन बहुत जरूरी है, उसके बिना वो जिंदा ही नहीं रह सकती। मगर ये भी तो हो सकता है कि उसको अपनी बेटी के लिए लीवर इंतजाम करने का कोई और तरीका मिल गया। इस नंबर को सर्वेलेंस में डाल और इसकी लोकेशन का पता निकाल। हो सकता है कि ये वही लोकेशन हो जहां पर इलीगल ट्रांसप्लांट किया जाता। आर यू श्योर सर? इसके अलावा कोई दूसरी लीड है ही नहीं हमारे पास। महेंद्र, इस सौरभ वर्मा के घर का पता लगाने की कोशिश करो। यस सर। ईशा, ये सौरभ वर्मा का नाम जो है वो डेटाबेस में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसका चेहरा हो किसी दूसरे नाम से। ईशा ऐसा करो कि इस तरह के जितने भी इलीगल ट्रांसप्लांट के जो रैकेट्स हैं उनकी हिस्ट्री निकालो, हो सकता है कि वहीं से हमें उसका चेहरा दिखाई दे। गुड आइडिया सर, ऐसा हो सकता है। और जया, तुम ऐसा करो कि तुम मंदिर के आसपास ही रहो, ओके? बिकारम के गेटअप में। अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो हो सकता है कि वो एनजीओ वाले तुम्हें भी वहां से ले जाए और हमारा उन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। यस सर। जया, मैं तुम्हें एक जीपीएस ट्रैकर दूंगा, सिर्फ 24 घंटे अपने पास रखना, मैं तुम्हें ट्रैक करता रहूं। यस सर। चलो फिर काम पर लग जाते। यस सर। हेलो, सुन मैं एक नंबर भेज रहा हूँ, मुझे उसकी लाइव लोकेशन चाहिए मेरे लैपटॉप पर, जल्दी।
हॉस्पिटल को अपडेट कर दो कि डोनर यहाँ से निकल चुका है, और पेशेंट के फादर को बोलो बाकी पेमेंट क्लियर करने के लिए। ओके सर। तुम अंदर जाके रंधावा और उसकी बेटी पर नजर रखो, मैं यहाँ बाहर रहकर दोनों का वेट करता हूँ। ठीक है सर। हाँ, उसकी कंडीशन सीरियस तो है, जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। डोनर का बोला तो है, श्योर नहीं। सर, अनु को अभी ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना है सर। ठीक है, चलो। सिस्टर, 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 वो बेड नंबर 3 के पेशेंट की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। मैम अर्जेंट है, प्लीज चलिए ना। हेलो। हाँ गैरी बोलो। हेलो सर, सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो गैरी, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हेलो हेलो गैरी, गैरी हेलो हेलो गैरी, थोड़ा जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है गैरी। हेलो गैरी, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है मुझे, बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। हाँ गैरी बोलो। सर शायद उन लोगों ने जया को पिक कर लिया है, उसकी लोकेशन लगातार मूव हो रही है सर। सर मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ सर। ये क्या कर रहे हैं? दिख रहा है क्या? कौन था ये? ये तो स्टेशन पे जो लड़का गया उसको ही छोड़ने आई थी। नीचे छोड़ो मुझे।
कहाँ लेके आ गए? चलो छोड़ो छोड़ो मुझे। कुछ मिला है प्रदीप? यस सर। ये देख क्या है सर, ये तो जीपीएस ट्रैकर है। आपको कहां से मिला? इस भिखारन के पास। छोड़ो मुझे। ये तो न्यूज रिपोर्टर है, मैंने डॉक्टर विपुल को वहां इसको देखा था। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे कुछ जासूसी कर रही थी। इस जीपीएस के माध्यम से कोई ना कोई हमारी लोकेशन को देख रहा होगा सर। बड़ी जगह है, कहाँ ढूंढेंगे जया को? गैरी, हम एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर है यहाँ पर, लेकिन दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बट सर, जीपीएस ट्रैकर की लोकेशन वही दिखा रहा है। हो सकता है कि जीपीएस ट्रैकर को देख लिया उन्होंने, यहाँ फेंक दिया हो। सर, हमको जया को जल्दी ढूंढना पड़ेगा, उसकी जान खतरे में हो सकती है। मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी ना तू?
मुझे भी सबूत बहुत पसंद है। बस फर्क इतना है कि तुझे जुटाना पसंद है, मुझे मिटाना। और अब मैं तेरे होने का एक एक सबूत मिटा दूंगा। और कसम से कभी किसी को नहीं पता चलेगा कि इस दुनिया में तू कभी थी। डर लग रहा है? मैं समझता हूं, पर डर मत। ये इंजेक्शन एक बार तेरे अंदर गया ना तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब तेरी किडनी निकली, कब लीवर निकला। और ऐसे एक एक करके तेरे होने का पूरा सबूत साफ। मेडिकल एजेंसी सर। हाँ गैरी बोलो। सर आपकी लोकेशन से ठीक 1 किलोमीटर पहले एक स्पॉट पर 2 मिनट के लिए ट्रैकर रुका हुआ था सर। सर आई एम डैम श्योर जाइए यहीं पे राठी मेडिकल एजेंसी में सर। गुड जॉब गैरी। ऐसा करो कि उस गोडाउन के एग्जैक्ट लोकेशन भेजो, हम यहां से निकल रहे। कम ऑन ईशा, वी हैव टू। यस सर। इंजेक्शन रखो। बैठ नीचे। कौन है आप? और यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी खोल। तेरी कहानी का आखिरी पन्ना लिखने आए हैं हम। तुम ठीक हो? और मैं? हमने उसे बचा लिया। आप लोग जो भी हो मुझे जाने दो, बदले में जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। सर सर बाकी लोगों को इन्होंने कैद करके रखा हुआ है अंदर। तुम लोग अंदर जाओ, बचाओ उन्हें। रो क्या कह रहा था तू? है पैसा देना चाहता है? कैसे देगा, कैश में या चेक में? देखो मेरा सारा रुपया क्रिप्टो में है, एक मिनट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये कर देगा? कर दूंगा। नहीं चाहिए मुझे। तो क्या चाहिए? जो चाहिए आपको मैं देने को तैयार हूं। जो भी मांगोगे आप बोलो, क्या चाहिए? क्या उन सभी लोगों की जाने वापस ला सकते हो जिनकी तूने जाने ली थी? हैं? ला सकता है? बताओ, ला सकता है? सर इसका असली नाम विशाल दबाड़े है। नागपुर में किडनी रैकेट चलाने के जुर्म में पकड़ा गया था, लेकिन जेल से भाग निकला और फिर दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर्स की मल्टीपल किलिंग्स में भी इसका नाम आया था। कितना पैसा कमा लेते हो एक ट्रांसप्लांट से?
50 लाख एक किडनी का फॉरेनर से, इंडियन से 10 लाख। एक तो ना, दूसरी सबसे बड़ी आबादी हमारे इस देश की, जहां देखो वहां लोग ही लोग, लोग ही लोग, और उसमें आधे से ज्यादा तो गरीब कॉकरोचों की तरह रहते हैं ऐसे छोटी छोटी जगहों पे। क्या मतलब ऐसी जिंदगी जीने का, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर एक कॉकरोच के मरने से कई इंसानों को नई जिंदगी मिले तो बस मैं यही करता था। आपको क्या लगता है, मैंने जो किया वो गलत किया? नहीं, मुझे नहीं लगता। जिंदगी की कई सच्चाई मौत को सामने देखने के बाद समझ में आती है। जब तुम फांसी का फंदा सामने देखोगे ना, आई एम श्योर तुम्हारी ये राय बदल जाएगी। फांसी? सर क्या है ना, पैसे में बहुत ताकत होती है। अगर पैसे के दम पर मैं एक पुलिस वाले को दूसरे पुलिस वाले की जान लेने के लिए मजबूर कर सकता हूं, तो क्या उसी पैसे के जोर पर मैं खुद को नहीं बचा सकता? किस पुलिस वाले की बात करें? तो वही सब इंस्पेक्टर शमीम। और कौन? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा दम घुटने लग गया इस डिपार्टमेंट में। जय हिंद सर। सर वो बीआईजी से कहिए कि वो यहाँ पर आकर चार्ज ले लें। एंड वन मोर थिंग सर, वो एसआई शमीम ने खुदकुशी नहीं की थी, उन्हें मारा गया। एसएचओ सोलंकी और पांडे ने उसे मारा। वेल डन रावत। थैंक यू सो मच सर। सर एक रिक्वेस्ट थी। बोलो। सर मैं चाहता हूँ कि इस केस का जो रियल विसल ब्लोअर है उसे उसका क्रेडिट दिया जाए। किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन है वो? सब इंस्पेक्टर शमीम खान। ओके श्योर रावत। थैंक यू सर। भोपाल पुलिस ने अंग तस्करी के काले धंधे का पर्दाफाश करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, पुलिस ने न सिर्फ इस मामले से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया है, बल्कि इस मामले के पूर्व जांच अधिकारी एसआई शमीम आजाद के हत्यारों का पता भी लगा लिया है। वे सभी अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं राज्य सरकार ने एसआई शमीम के जंबाजी का संज्ञान लेते हुए उन्हें मरणोपरांत राजकीय सुरक्षा सम्मान देने का निर्णय लिया है, और साथ ही उनके परिवार को 20 लाख रुपये की सहायता राशि देने का भी निर्णय लिया है।